मध्य प्रदेश में पिछले 8 महीने से अटकी पटवारी भर्ती पर नियुक्तियों का रास्ता जल्द साफ होने वाला है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ESP द्वारा कराई गई पटवारी चयन परीक्षा की जांच रिपोर्ट मंगलवार शाम को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और जांच कमेटी प्रमुख राजेंद्र वर्मा ने सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी है। इसमें किसी तरह का घोटाला नहीं पाया गया है और सूत्रों के अनुसार चयनित पटवारियों पर किसी तरह की उंगली भी नहीं उठाई गई है। यानी अब 9000 पटवारियों के चयन का रास्ता साफ हो गया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इस तरह के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं कि किसी सेंटर के टॉप 10 में से 7 मेरिट होल्डर आने से पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए। अब इसे लेकर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ही लेना है। CM इस रिपोर्ट के आधार पर GAD और ESB के साथ चर्चा करेंगे कि आगे रिजल्ट को लेकर क्या करना है, रिजल्ट को किस तरह मान्य करना है, क्या किसी सेंटर के उम्मीदवारों को अलग रखना है या चयन को मान किया जाना है। रिजल्ट मान है तो फिर इन्हें नए सिरे से क्या 87 से 13% से जारी करना है या फिर इस पर 87% फॉर्मूला लागू नहीं करना है, क्योंकि ये हाईकोर्ट के OBC आरक्षण मामले में रोक लगाने से पहले जारी हुआ रिजल्ट है। फरवरी माह में ही विधानसभा सत्र है। माना जा रहा है कि CM बैठक कर ये रिपोर्ट सत्र में पेश कर सकते हैं और फिर इस पर अंतिम मोहर लगाकर रिजल्ट और नियुक्ति पर हरी झंडी मिल सकती है। पूरी संभावना है कि फरवरी के महीने में ही पटवारियों को उनका नियुक्ति का हक मिल जाएगा। इंदौर से कैमरामैन गौतम सरदार के साथ संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट।